जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियों में राजनीति गर्माती हुई देखने को मिल रही है। आपका एक मतदान भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए मृदुभाषी की टीम बड़ी जिम्मेदारी से ला रही है आप तक असली जमीनी हकीकत, आपके पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। आइए इस क्रम में जानते हैं क्या है इंदौर के वार्ड क्रमांक 2 के हाल। सबसे स्वच्छ शहर की गंदी गलियां, वाटर प्लस शहर में पानी के मोहताज लोग, इंदौर वार्ड क्रमांक 2 के हाल सिर्फ मृदुभाषी के साथ। जब मृदुभाषी की टीम सड़कों पर उतरी तो देखा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के कुछ वार्ड अभी भी अपने पुराने हाल में हैं। जगह जगह कचरा और गंदगी फैली हुई है। इसी दौरान जब हमने वार्ड क्रमांक 2 के रहवासियों से बातचीत की तो उन्होंने शिकायतों की झड़ी लगा दी। इस तरह से हम चाहते हैं विकास कार्य हमारे वार्ड में, कि हमारे वार्ड में जो हर जगह सुविधाएं मिल रही हो हम लोगों को भी मिले। हमारा भी हक है हमारे वार्ड में भी साफ सफाई रहे, हमारे वार्ड में भी ड्रेनेज वगैरह सही साठ रहे। हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं। और रही बात अभी जो नगर निगम चुनाव आए हैं, तो इसमें हम चाहते हैं, पार्टी से हमारी ये मांग है कि एक हमें अच्छा उम्मीदवार हमारे बीच में पहुँचाए। तो हम लोग सदा कांग्रेस को जिताते आए हैं और इस बार भी हम कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं इस बार चाहिए हमें कोई नया चेहरा, हम जो हमारे लिए खड़ा रहे, सदा हमारे बीच रहे और हमारे लिए मेहनत करता रहे, और जो निःशुल्क ना बिना कुछ लालच से जो हमारा काम करता रहे। देखो विकास कार्य इस क्षेत्र में 5 साल में बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है, विकास भी हुआ है, पर क्या है हम लोगों की सरकार नहीं थी तो इसलिए हमें पूरा सहयोग नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं अब हमें ऐसा नेता मिले जो गवर्नमेंट से लड़ के हमारे वार्ड का विकास कराए। सर देखिए, साफ सफाई तो यहाँ पे होती रहती है लेकिन ड्रेनेज की जो समस्या है वो अभी तक हल नहीं हुई है। किस तरह की? ये जो लाइन है पीछे जो बैक लाइन डली हुई है ना सर, ये फेल है। ड्रेनेज लाइन फेल है, इसमें क्या पानी भराता ही भराता, ओवरफ्लो हो जाता, महीने 6 महीने में पानी घरों में भराता, मेरे खुद के घर में भराता। साफ सफाई होती है यहाँ पर? साफ सफाई होती है सर लेकिन रेगुलर नहीं होती। अभी आप खुद ही देखो झाड़ू नहीं लगी, आज झाड़ू नहीं लगी, शुक्रवार का दिन है, संडे नहीं है आज, बाकी आज भी झाड़ू नहीं लगी। क्या चाहते हैं आप? हम तो सर ये चाहते हैं कांग्रेस जो भी उम्मीदवार खड़ा करे वो व्यवस्थित करे, अच्छा आदमी करे और नया चेहरा हो, साफ सुथरा हो, जो काम करे। हमारे वार्ड में सबसे पहले तो पानी की समस्या बहुत है, नल नहीं आ रही टाइम से, पानी पीने तक का भी नहीं आ जाएगा, और कम लाइन खोलते पानी की, बोरिंग भी यहाँ का बिल्कुल सूख गया, बोरिंग में भी पानी नहीं आ रहेगा। कांग्रेस इसके नाम से, कांग्रेस जो जैसे हमारे तो कांग्रेस को जैसे वोट डालते हैं ज़्यादातर, तो कांग्रेस को ही के नाम से अधिकतर लोग चाहेंगे कि उनको चुने। बस साफ सफाई वगैरह हो और अच्छी तरह से, मतलब जो है ये यहाँ पर मतलब कोई नया चेहरा आए और अच्छी तरीके से मतलब काम करें, अच्छा काम करें यहाँ पर। बाकी अब क्या है कि अभी ये ड्रेनेज वगैरह की भी बहुत तकलीफ है, यहाँ पर पानी भर जाता है सारा, मतलब जो है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है, बरसात में घरों में घुस जाता है, ये बारिश में भी बड़ी परेशानी आती है। अभी जो विकास कार्य क्या हुए हैं अभी तक उनके क्षेत्र में, क्या क्या विकास कार्य करवाया उन्होंने? विकास कार्य तो ये है कि ये रोड बना है अभी यहाँ पर, और ये ब्लॉक वगैरह हुए हैं, ये सालों में खाली रोड बनाया। क्या क्या समस्या और क्षेत्र में बाकी? बस ये ड्रेनेज वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा है, ये खत्म होना चाहिए। इंदौर कांग्रेस महामंत्री इमामुद्दीन ने उम्मीद जताई कि जनता इस बार कोई और उम्मीदवार के साथ ना जाकर कांग्रेस का समर्थन करेगी। हम इस बार ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी महापौर का चुनाव लड़ना है भाई संजय शुक्ला जी, और उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारे वार्ड क्रमांक 2 से कांग्रेस का उम्मीदवार को टिकट मिले और कांग्रेस का उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीते, और हम हमारे पूरे वार्ड के लोग और उनकी यही इच्छा है कि भाई संजय शुक्ला महापौर बने और यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत के परिषद में जाए। हाँ, ये तो जनता ने भुगत लिया है कि निर्दलीय के अंदर कोई काम नहीं होता है, और जनता ने देखा इस वार्ड के अंदर जब निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय पार्षद था जब तक काम नहीं हुआ, फिर वो कांग्रेस में आए तो विधायक संजय शुक्ला जी और मुबारक भाई कांग्रेस के पार्षद रहिए तो उनके होते हुए, और इस क्षेत्र में कांग्रेस के साथ में आने की वजह से यहाँ पे विकास चालू हुआ, तो वो थोड़ा विकास चालू हुआ और ये चुनाव आ गए पार्षद के। तो इस बार क्षेत्र की जनता बिल्कुल ये नहीं चाहती है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत के जाए, कि वापस 5 साल तक भुगतना पड़े, और क्षेत्र की जनता यही चाहती है
कि हमारे विधायक जी है वो महापौर बने और यहाँ से कांग्रेस का पार्षद ही चुन के परिषद में जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास होंगे, काम होंगे, लोगों की नौकरियां लगेगी और हमारे युवा लोग हैं वो जॉब में जाएंगे नगर निगम में, यही युवाओं की उम्मीद है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 2 में पानी, गंदगी, सरकारी योजनाओं के नहीं पहुंचने जैसे कई मुद्दे हैं। अब देखना रहेगा कि जनता अपनी समस्याओं के हल के लिए किस प्रत्याशी पर मोहर लगाती है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।